ऐसी वस्तु है जो टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी आपका टेलीफोन पे जब आप बात करते हैं उसको लगना ही नहीं चाहिए कि टेलीफोन पे बात हो रहा है, पर्सनली तुम दिख रहे हो। और बात ऐसी होनी चाहिए कि इच्छा जाग जानी चाहिए उसको मिलने का। वर्ल्ड वाइड जब हम लोग इंश्योरेंस बेचने को जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचने को जाते हैं, कस्टमर विल ऑब्जेक्ट, और जैसे ही कस्टमर ने ऑब्जेक्ट किया आपका सेल शुरू हो गया। तो पहला बात तो आज के बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया ना तो एकदम छाती ठोक के बैठ जाने का उधर, क्योंकि ऑब्जेक्शन के बाद ही सेल्स होता है। ऑब्जेक्शन आदमी क्यों देता है, आदमी ऑब्जेक्शन क्यों देता है, आदमी ऑब्जेक्शन इसलिए देता है क्योंकि वो टेस्ट करता है अपना डिसीजन लेने के पहले, वो तुमको टेस्ट करता है कि तुम बराबर मेरे को एडवाइस दे रहे हो कि नहीं। मेरी चाहतों में कोई कमी नहीं है सर, मेरी चाहत में सिर्फ आपका इम्प्रूवमेंट, आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम है, तो मेरे मन में कोई खोट नहीं है। देयरफॉर मेरी कसम, आपकी कसम, मैं यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, आपको चेक देना ही पड़ेगा। जिस तरह का एक बातचीत करने का जो एक एंथुजियाज्म है, इसके ऊपर आप खास काम करो। कम्युनिकेशन का फ्रीडम, मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी भर जो भी पैसा कमाया ना, मेरा बोलने के तरीके की वजह से कमाया। इंश्योरेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, इन द माइंड, फॉर द माइंड। इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट दैट कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी स्मेल्ड, कैनॉट बी फेल्ट, कैनॉट बी टेस्टेड, कैनॉट बी सीन। क्लोजिंग होगा नहीं, क्लोजिंग होगा नहीं, उसका सिस्टम है। पहले चड्डी डालने का, बाद में बनियन डालने का, बाद में शर्ट डालने का, बाद में पैंट डालने का, उन्हें प्रोसेस प्रोबिंग क्यों करे, ताकि कस्टमर क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो। सो सेल्स में सबसे पहला आदमी सेल्समैन को खरीदता है, एडवाइजर को खरीदता है, दूसरा कंपनी को खरीदता है, तीसरा प्रोडक्ट को खरीदता है। वक्त आ गया है अभी लाइफ एडवाइजर बनने का।